गर्मी की छुट्टियां बीत गई थीं, विद्यालय खुल चुके थे। आज राघव को विद्यालय पहुंचने की जल्दी थी। विद्यालय पहुंचकर वह अपने सहपाठियों को अपने नए पड़ोसी के बेटे कार्तिक के बारे में बताना चाहता था, जो उससे इन दिनों बहुत खुल मिल गया था। कार्तिक देख नहीं सकता था, फिर भी वह आराम से पढ़ सकता था। कार्तिक कहता कि पढ़ते समय तो उसकी उंगलियां ही आंखों का काम करती हैं। उसने राघव को बताया कि वह ब्रेल लिपि वाली पुस्तक की सहायता से पढ़ता है। ब्रेल लिपि के बारे में कार्तिक ने राघव को केवल इतना ही बताया कि इसके आविष्कारक लुई ब्रेल थे और उनकी आंखों की रोशनी भी बचपन में ही चली गई थी। राघव लुई ब्रेल और उनकी लिपि के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हुआ जा रहा था। वह जल्दी जल्दी विद्यालय पहुंचा। कक्षा की घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में शांत होकर बैठ गए। श्रीमती मेहता कक्षा में आईं। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उन सबकी छुट्टियां कैसी रहीं। जब राघव की बारी आई तो उसने अपने नए मित्र कार्तिक तथा उसकी अनोखी पुस्तक के बारे में अध्यापिका को बताया। राघव के साथ साथ अब सारे बच्चे भी लुई ब्रेल और उनकी लिपि के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। इस पर अध्यापिका ने कहा, ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें लुई ब्रेल के बारे में बताती हूँ। श्रीमती मेहता ने लुई ब्रेल के बारे में जो कुछ बताया वह इस प्रकार है। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी सन 1809 को फ्रांस में पेरिस के समीप कुप्रे नामक गांव में हुआ था। उनके पिता चमड़े का सामान बनाकर बाजार में बेचा करते थे। लुई ब्रेल जब 3 वर्ष के थे तब एक बार वे पिता की वर्कशॉप में उनके औजारों से खेल रहे थे। भूलवश एक औजार से उनकी एक आंख में चोट लग गई। लुई ब्रेल के पिता ने उनका इलाज कराया, लेकिन जख्म इतना गहरा हो गया था कि धीरे धीरे उनकी दोनों आंखों की रोशनी ही चली गई। लुई ब्रेल को छोटी उम्र से ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ गया। अब उन्हें हर काम के लिए भाई बहनों और माता पिता की मदद लेनी पड़ती थी। 6-7 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर वे छड़ी के सहारे गांव में घूमने लगे थे। एक दिन कुप्रे के चर्च के पादरी जैक्विन स्पिलुई ने लुई को देखा। उन्हें इतने छोटे बालक में प्रतिभा नजर आई। वे प्रतिदिन उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उन्हें बाइबल की कहानियां सुनाया करते थे। उन्होंने लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान करना सिखाया, साथ ही संगीत का अध्ययन कराया। इन बातों का लुई के मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने ठान लिया कि वे जीवन में कुछ अलग करके दिखाएंगे। पादरी महोदय ने एक स्कूल के प्रधानाध्यापक से लुई को प्रवेश देने का अनुरोध किया। प्रधानाध्यापक लुई से बहुत प्रभावित हुए। लुई स्कूल जाने लगे। पहले वे सामान्य बच्चों के बीच सहमे सहमे से रहते, पर धीरे धीरे उनकी प्रतिभा सामने आने लगी। बाद में पेरिस में दृष्टि बाधित बच्चों के एक स्कूल में लुई को प्रवेश मिला। वहां भी लुई ने अपनी असाधारण प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। आगे चलकर वे उसी स्कूल में अध्यापक भी बने। उन दिनों दृष्टि बाधित बच्चों को अक्षर ध्यान कराने में बहुत मुश्किलें आती थी। लुई भी वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे थे और इसे दूर करने का कोई न कोई उपाय खोजने में लगे हुए थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्होंने सुना कि चार्ल्स बार्बियर नामक एक सज्जन ऐसी गुप्त भाषा तैयार कर रहे हैं जिससे सैनिक रात के अंधेरे में संदेशों का आदान प्रदान कर सके। सन 1821 में बार्बियर ने अपनी भाषा का प्रदर्शन लुई के स्कूल में किया। इस भाषा में मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभारा जाता था जिससे रात के अंधेरे में सैनिक स्पर्श द्वारा पढ़ लिया करते थे। अब तो लुई के मन में नई लिपि बनाने की धुन सवार हो गई। उन्हें अपनी मंजिल दिखाई देने लगी थी। मात्र 13 वर्ष की आयु में लुई इस कार्य में जुट गए। रात को जब दुनिया सो रही होती थी तब वे मोटे कागज पर बिंदु बना बनाकर अक्षरों के आकार बनाने का प्रयास करते रहते थे।
वे अपनी अनोखी लिपि को इस प्रकार बनाना चाहते थे जिसे पढ़ने में दृष्टिबाधित लोगों को जरा सी भी कठिनाई ना हो। सन 1829 में लुई ब्रेल को अपने प्रयास में कामयाबी तब मिली जब उन्होंने इस लिपि में अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की। बाद में उन्हें स्वयं इस लिपि में कुछ खामियां नजर आईं। लुई ब्रेल भला कहां हार मानने वाले थे, वे इस लिपि में सुधार लाने में जुट गए। सन 1837 में उन्होंने संशोधित लिपि में दूसरी पुस्तक प्रकाशित की। इस प्रकार उन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के पढ़ने के लिए एक नई दुनिया रच डाली। लुई ब्रेल की लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इसमें अक्षरों और गणित के चिन्हों को कागज पर हल्का उभार देकर छापा जाता है जिसे स्पर्श करके आसानी से अक्षर, शब्द, वाक्य आदि पढ़े जा सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय में लुई ब्रेल का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। बीमारी ने उन्हें 6 जनवरी 1852 को सदा के लिए मौत की नींद में सुला दिया, किंतु इस लिपि ने उन्हें अमर बना दिया है।